राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी फिजिओथेरपी कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी काढली आरोग्य जनजागृती रॅली। जागतिक फिजिओथेरपी या दिवसाची स्थापना 1951 मध्ये करण्यात आली। त्यानंतर हा दिवस 8 सप्टेंबर 1996 मध्ये पहिल्यांदा साजरा करण्यात आला। तसेच हा दिवस जागतिक भौतिक चिकित्सा समुदायाची एकता दर्शवितो। या दिवशी फिजिओथेरपीच्या कार्याबाबत जागरूकता वाढविण्याचा आणि आधार देण्याचा प्रयत्न केला जातो। या दिवशी या क्षेत्रातील लोकांना आणि त्यांच्या कामाला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचे कौशल्य वाढवणे यावर अधिक भर देण्यात आला। याच्या निमित्ताने कोपरगाव तालुक्यातील नगर मनमाड हायवे लगत असणाऱ्या कोकमटाण येथील राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी फिजिओथेरपी कॉलेजमध्ये राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी फाउंडेशनचे अध्यक्ष चांगदेव कातकडे व श्री जनार्दन स्वामी हॉस्पिटलचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रसाद कातकडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जागतिक फिजिओथेरपी दिन साजरा करण्यात आला। यात भौतिकोपचार जनजागृती रॅली काढून एक ना सूरज बोलना नीरज व फिजिओथेरपी ही तर काळाची गरज अशा उत्सुकतापूर्वक घोषणा देत कोपरगाव शहरातून भव्य दिव्य अशी रॅली काढण्यात आली। या रॅलीने सर्व कोपरगावकरांचे लक्ष वेधून घेतले। तसेच भौतिक उपचाराची जनजागृती विषयक पटनाट्य सादर करण्यात आले। वात्सव गणेश मंडळ, कोपरगाव व वक्रतुंड गणेश मंडळ अशा विविध ठिकाणी हे पटनाट्य सादर करण्यात आले। या कार्यक्रमावेळी विजय कडू, दीपक कोटमे, नर्सिंग कॉलेजचे प्राचार्य इर्शाद अली, डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर महेंद्र सिंग, फिजिओथेरपी कॉलेजचे कर्मचारी वैभव शिंदे, मोनेश्वर शिंदे, प्राजक्ता रहाणे, सचिन बैरागी, पंकज जगताप व इतर सर्व विद्यार्थी उपस्थित होते। नमस्कार, राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपीकडून आम्ही आज आलो आहोत। आज 8 सप्टेंबर वर्ल्ड फिजिओथेरपी डे आहे आणि आज आम्ही सगळे फिजिओथेरपीचे जे डॉक्टर्स आहोत किंवा स्टुडंट्स आहोत, जे सगळे फ्युचर फिजिओज आणि आत्ताचे फिजिओज आहोत, एकत्र आलो आहोत लोकांना हे सांगण्यासाठी की तुम्ही जे पैसे ऑपरेशनमध्ये घालवता ते तुम्ही फिजिओथेरपी घेऊन बरं होऊ शकता ना, तर तुम्ही का ऐकत नाही असं? त्याच्यानंतर जर तुम्हाला अंगदुखी, हाडदुखी, सांधेवात हे जे आजार असतात, यासाठी तुम्ही काय करता? औषधं खाता। औषधं खाऊन 2 दिवस बरं वाटतं, मग परत औषधं खाता। त्यापेक्षा एकदा या फिजिओथेरपी घ्या, तुम्हाला परिणाम स्वतःहून कळतील। तुम्हाला हेच सांगण्यासाठी आज सगळे फिजिओथेरपीचे जी टीम आहे आज आमची रस्त्यावर आली आहे, सगळ्यांना सांगत फिरते आहे की जर तुम्हाला तुमच्या कष्टांपासून लांब पळायचं असेल तर तुम्हाला फिजिओथेरपी घ्यावी लागेल। त्यांनी तुम्हाला काही औषधं खायची गरज नाही, व्यायामाने आणि भौतिकोपचाराने तुमचे सगळे आजार बरे होतील। नमस्कार, राष्ट्रीय स्वामी जनार्दन कॉलेज के फिजिओथेरेपी डिपार्टमेंट के छात्र और उनके अध्यापक, हम सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वर्ल्ड फिजिओथेरेपी डे के दिन सबको जागरूक करने के लिए कि फिजिओथेरेपी करवाएं और अपनी जितनी भी बीमारियाँ हैं उनका उपाय पाएं। आजकल हर घर में कोई ना कोई ऐसा रहता है जिसके कमर दर्द, घुटना दर्द या किसी और तरीके की बीमारी रहती है। कुछ बच्चे इस प्रकार जन्मते हैं कि वो एबनॉर्मल कहलाए जाते हैं या वो बिस्तर पे ही रहते हैं। ऐसे सारे मरीजों का इलाज फिजिओथेरेपी में है और हम सारे लोगों को, जो भी आसपास ऐसे पेशेंट्स को देखें, उनको फिजिओथेरेपी करने के लिए जागरूक करें। उसका इलाज हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका इलाज करवा के आप दवाइयों के और ऑपरेशन के खर्चे और उनके साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। फिजिओथेरेपी डिपार्टमेंट से आए हुए हैं, जो कि आज हमारा फिजिओथेरेपी डे है। 8th of September हर साल हम फिजिओथेरेपी डे मनाते हैं, जो कि अवेयरनेस के लिए, जो सोसाइटी में जो मतलब हमारे फिजिओथेरेपी के लिए जो थोड़ा सा कम अवेयरनेस है उसके लिए हम थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए हम ये रैली हमने किया है, जो कि फिजिओथेरेपी का बहुत सारा मतलब बेनिफिट्स है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है फिजिओथेरेपी के। जैसे कि कोई भी अगर स्ट्रोक कर जाए, किसी का लकवा लग जाए, फिजिओथेरेपी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। फिजिओथेरेपी कैन मूव देम, फिजिओथेरेपी उनको चला सकते हैं। जो जिसका फ्रैक्चर के बाद कुछ हाथ पैर जुड़ जाता है या फिर टाइट हो जाता है, उसके लिए फिजिओथेरेपी चाहिए। जिसको कमर दर्द है उसके लिए फिजिओथेरेपी चाहिए। तो फिजिओथेरेपी का
सिर्फ इतना ही बेनिफिट्स नहीं, उससे ज़्यादा भी बेनिफिट्स है। और फिजियोथेरेपी करके बच्चे बहुत मतलब बहुत बहुत जगह पे जा सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी इज़ द अल्टीमेट अल्टीमेट प्रोफेशन ऑफ मेडिकल साइंस। सो हमें सबको पता है फिजियोथेरेपी जो है नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। तो फिजियोथेरेपी है मतलब हम अलग मेडिकल प्रोफेशन के साथ भी टक्कर दे सकते हैं। यह है फिजियोथेरेपी का हमारा मोटो। और अवेयरनेस जो है सोसाइटी को अवेयर करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं।